एवरीवन, सो वी आर एट द यारसलो दवाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेडिकल कैंपस में, जहाँ पे पूरी की पूरी मेडिसिन की पढ़ाई आप सबकी यही इसी कैंपस में होती है. सो वी विल शो द फ्रंट गेट ऑफ द मेडिकल. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस जहाँ से स्टूडेंट्स अपने क्लासेस के लिए और अपने लैब्स के लिए जाते हैं. दिस इज द वॉलीबॉल कोर्ट दैट द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड इन द इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है इस कॉलेज में. अभी आपको वो भी दिखाएंगे. सो वी विल गो इनसाइड एंड गेट. आज हम यारसलो दवाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं. आप सबको पता है काफ़ी पुरानी 1993 की यूनिवर्सिटी है ये. उसका एडमिन ब्लॉक है, जैसे आप सामने देख सकते हैं वो एंट्रेंस है जहाँ से बच्चे अपना जो एडमिन ब्लॉक का जितने भी काम है सारे इसी बिल्डिंग पर रहते हैं. सारे स्टूडेंट्स चाहे वो इंडियन हों या कोई भी इंटरनेशनल मेडिकल स्टूडेंट्स या उसके अदर अदर कोर्सेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे ही आके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी एडमिन का काम होता है इससे रिलेटेड ही करते हैं. दिस इज़ द फ्रंट ऑफिस. अभी इसके अलावा हम आपको कॉरिडोर कुछ क्लासेस भी यहाँ पे चलती हैं. दिस इज़ द मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस. अगर आप देख सकते हो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया. और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें दिस इन बिटवीन द मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग. तो आप इसका प्रोटोटाइप देख सकते हो. इसके बाद हम आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाएं. मेडिकल भी दिखाएंगे. लेक्चर हॉल है जहाँ पे भैया बनाए हैं. यहाँ पे आपकी कॉरिडोर है कॉलेज का जहाँ पे आपके लेक्चर्स लगते हैं. नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं वो यहीं पे लगती हैं. इसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं वो तो अलग अलग हॉस्पिटल्स में होंगे, बट ये प्रॉपर आपके लेक्चर्स कॉरिडोर्स हैं. यहाँ पे फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर यहाँ पे लेक्चर्स होते हैं. आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्लासेस हैं. डिफरेंट क्लास है वहाँ पे पढ़ने आते हैं. काफ़ी न्यू बिल्डिंग है ये. एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है काफ़ी न्यू है. और यहाँ पे पूरी तरीके से 10 फ्लोर्स हैं जहाँ पे आपकी क्लासेस लगेंगी. जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई अलग होती है एंड जो रशियन मीडियम से उनकी पढ़ाई अलग होती है. तो बैचेज जो साइज भी होते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी आपको हम यहाँ के जो रेक्टर्स हैं उनसे भी बात करवाएंगे, तो जो बैचेज साइज में हैं वो भी मीडियम है. 15-15 स्टूडेंट्स के बैचेज बनते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है तो 15-15 के हम पाँच से छः बैचेज बनाते हैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम हो सके और बच्चे डायरेक्ट अपने प्रोफेसर से इंटरेक्ट कर सके. उसमें हम बात भी करेंगे. और बैचेज भी 15-15 के ही बनते हैं, क्योंकि आप ऑलमोस्ट कहीं भी जाओगे तो शॉर्ट बैचेज में ही पढ़ाई होती है रशिया में. यहाँ पे सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी पढ़ाई करते हैं. यहाँ पे लैब स्पोर्ट्स है नॉन चेंजेस के बाद ही आगे जाते हैं. यहाँ पे आपको लैब्स जितने भी हैं नोटिस बोर्ड से जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपके इन्फॉर्मेशन आपको आपके कॉलेजेस की मिल जाएगी. ये ज़्यादा नोटिस बोर्ड से एग्जामिनेशन का जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहीं पर मिलता है. Там что он учится, пожалуйста. Не надо им мешать. The representative of the college are going to show us the labs and all. आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे क्लासेस और लेक्चर्स कैसे चलते हैं. तो आप हम लोग Thank you.
labs also. We are going to show you. Take it. Videos will be. Anatomic lab. जो है ना anatomy lab आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे अपने practical करते हैं 15 बच्चे लोगों के लिए यहाँ पे groups के लिए यहाँ पे जगह है और 3 के batches में बच्चों को classes होती हैं А что мне надо снимать? Детали, да, конечно. Я тоже врач. So we are solving from Bangalore. He is studying in Yatsuro. So sir, can you tell us how he studied here? What are you doing here? What are you doing here? Hello, my name is Savan Mupanna. I am basically a banker. मैं इधर मेरा स्टडीज इस यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया चल रहा है. अभी हमारा एनाटॉमी का कुछ क्लास था, उसके बाद मैं आके इधर बैठा हूँ. मतलब पीपीटीज वगैरह रिवाइज करने वगैरह करने बैठा हूँ. वाकई सब कुछ स्टडीज टीचर सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है. किस ईयर में इन विच मीडियम आर यू स्टडीइंग? आर यू स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम? मैं जनरल मेडिसिन इंग्लिश मीडियम में. पूरे 6 इयर्स आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? हां. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पे कैडलर्स से आपको जो प्रैक्टिस होती है वहाँ उसी टेबल पर बच्चे अपने कैडलर्स पे प्रैक्टिस करते हैं. दीज आर द टेबल्स वेयर द कैडलर्स आर पुट एंड बच्चे यहाँ पे डाइसेक्शन एंड ऑन सीखते हैं. Просто снимай. Голова. So this is the mess and the canteen जहाँ पे आप खाके refreshments ले सकते हैं. आपके ground floor भी available हो जाएगी आपको college में. In the another building of Yatsuro, that is the philosophy department. जो कि first year में कुछ subjects होते हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ाई होती है, पढ़ाया जाता है. उसके regarding आपको भी building अंदर दिखाते हैं कैसी classes हैं और कैसी buildings हैं. तो स्टूडेंट्स, ये आपके फर्स्ट ईयर के क्लासरूम हैं जिसमें आपकी फिजियोलॉजी, फिलोसफी, जो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको मेडिकल में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, क्लासेस आपको
यहाँ पे मिल जाएगी. दिस इज द बिल्डिंग दैट वी शो एंड दिस इज द प्रॉपर क्लासरूम जहाँ पे 15 से 20 बच्चों के बैचेस को हम डिजिटली आप देख सकते हो यहाँ पे विद द प्रोजेक्टर्स एंड विद द प्रॉपर कम्युनिकेशन जो भी आपके कंप्यूटर्स एंड नाउ है प्रॉपर आज के डेट अपडेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उनके साथ यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाती है. The view of this college, it is very beautiful. जहाँ पे आप देखो जो सिटी के साइड से जो लेक जो रिवर यहाँ पे बह रही है उसके सामने जस्ट आपका दिस इज द व्यू एंड दिस इज द मेन बिल्डिंग.